स्वागत है आपका आज भारत टीवी चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ मिताली नाइक। सच्चाई से होगी सामना, बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज भारत टीवी चैनल। तो आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के टेंकी पुल के पास मैं उपस्थित हूं और यहां पर आप देख रहे हैं एक विशाल यहां पर आपको होटल यानी मैरिज हॉल नज़र आ रहा है जिसका नाम है सूरज इंटरनेशनल मैरिज हॉल और इसी का आज ओपनिंग है और इसी के ओपनिंग में आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पूर्व विधायक दिनारा क्षेत्र के जय कुमार सिंह आए हुए हैं। चलिए धन्यवाद। अभी यहाँ विक्रमगंज में आ पाए ताकि यहाँ के लोगों ने पहली बार आपको एक नेता बनाया था और उस धरती पर आप आए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए धरती तो मैं अभी भी इसी धरती से मैं राजनीत करता हूँ, अनुमंडल मेरा यही है। जब मैं यहाँ छोड़ रहा था और दिनारा की तरफ हमने रुख मोड़ा था, हमने कहा कि मेरा सौभाग्य है, इस विक्रमगंज के लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अभी भी जहाँ मैं कर रहा हूँ विक्रमगंज की धरती को छूते हुए जाना है। तो मैं दिनारा भी विधायक थे तो अनुमंडल मेरा विक्रमगंज था, तो विक्रमगंज से मेरी बहुत मधुर लगाव है, पारिवारिक संबंध सभी जाति सभी वर्ग से हमको है और सभी लोगों का प्यार मुझे मिला है। और हम लोग राजनीति करते हैं, छोड़कर कहीं आगे नहीं बढ़ते हैं, जोड़कर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला सवाल, विक्रमगंज अनुमंडल के लोगों ने आपको एक विधायक बनाया और यहां से ही आगे आप बढ़ें, लेकिन विक्रमगंज में अभी भी कुछ कमियां हैं जो कि सारे लोग की नज़र उस पर नहीं पड़ रहा है। विक्रमगंज चौक जो कि है वहां पर काफ़ी जाम लगता है, इसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एम्बुलेंस में कोई जिंदगी मौत से लड़ता है और दम ही तोड़ देता है रास्ता में। सर, तो ये कब मतलब भीड़ कम हो गई, इसके बारे में बताइए मुझे। नहीं, इसकी तो एक नीति बनी है, आप देखे होंगे मैं सरकार ने ये नीति बना चुके हैं कि जितने भी शहर है उसकी बाईपास होना है, सासाराम डिस्ट्रिक्ट टाउन से बाईपास शुरू होगा। इसमें एक मानक बनाई गई कि पहले डिस्ट्रिक्ट टाउन जितने भी शहर के अंदर जो प्रवेश होती थी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, उसका बाईपास होना शुरू हो गया। जिला के बाद अनुमंडल आएगा, अनुमंडल के बाद प्रखंड आएगा और सभी जगह एक नीतिगत फैसला जिस समय हम लोग सरकार में थे, मैं जीता था उस समय लिया गया था और काम भी चल रहा है। बाईपास यहाँ निश्चित तौर पर होने वाला है, जिला का पूरी बिहार के जितने डिस्ट्रिक्ट टाउन है उसका होने के उपरांत ही तुरंत विक्रमगंज का बाईपास भी शुरू हुआ, इस चल भी रहा है। इससे बड़ा समस्या सर दावत में आता है, यहाँ तो थोड़ी गाड़ी निकल भी जाती है। तो बता दिए जी सर, अनुमंडल इसके बाद ब्लॉक, ये अनुमंडल का होगा इसके बाद ब्लॉक का होगा जी। और यहाँ पर आकर के ये विशेष आपने ये सूरज इंटरनेशनल मैरिज हॉल में क्या देखा? नहीं, बहुत अच्छा देखा, जो आज की व्यवस्था होनी चाहिए आज की आधुनिक दौर में, शादी विवाह का, छोटे छोटे बर्थडे का एक इवेंट बनाना, भले ये होता नहीं था लेकिन ये 15-20 वर्षों से जिस प्रकार के लोगों की में बदलाव आया है, जिस प्रकार का शादी विवाह का एक तरीका बदला है, वो सभी चीज़ें आधुनिकता इसमें छुए हैं और इस आधुनिक दौर में ये मशहूर होटल के नाम से जाना जाएगा। और अभी मैं सूरज इंटरनेशनल होटल के अंदर में मैं आ चुका हूँ, ये मैरिज हॉल है, पीछे में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ऑनर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं कुछ बातें करने का प्रयास करूँगा, कुछ जानने का प्रयास करूँगा क्योंकि नया नया यहाँ पर जब खुला हुआ है तो इसके बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए हर किसी को। तो सबसे पहले आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। धन्यवाद, मेरा नाम रघुराज सिंह है और ये मेरे भाई दीप नारायण सिंह हैं, हम लोगों ने इसको बनाया है। इसको बनाने में कितना दिन लगा सर? इसको बनाने में एक साल के आसपास लगा है, आई थिंक आज ही के दिन पहले हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और आज ही के दिन इसका उद्घाटन भी हुआ है।
आज ही के दिन शुरुआत हुई थी, आज ही के दिन उद्घाटन हुई है, यानी पहला एक देखने को आपको मिल रहा है। दूसरी बात, ये जो होटल बनाए हैं आप, इसमें टोटल कमरा कितना है? इसमें टोटल 50 कमरे से भी ऊपर है, मैं अभी गिनती तो नहीं किया हूँ, लेकिन अप्रोक्स इसमें सर्वता 50 रूम्स है और 8 बड़े बड़े हॉल्स हैं और एक हॉल की इसमें कैपेसिटी 400 है, मतलब एक साथ 400 से 500 लोग उसमें बैठ सकते हैं। विशेष इसमें व्यवस्था क्या क्या है? देखिए, विशेष व्यवस्था ये तो पूर्णतया एसी है, वातानुकूलित है पूरी। दूसरा, फाउंटेन का व्यवस्था है, खुले में लॉन है और बिल्कुल आधुनिक ढांचे पे इसको बनाया गया है। आधुनिक तरह से जो भी हमारे कमरे हैं बिल्कुल आधुनिक कमरे हैं। स्विमिंग पूल भी इसमें दिया है हम लोगों ने। हाँ, यानी इस शहर का पहला ये होटल हुआ जिसमें स्विमिंग पूल है। जितनी व्यवस्थाएं हैं ये शहर की पहली है, इसके पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी में दिया गया होगा।